जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। इस गणतंत्र दिवस बॉम्ब उस टावर वाली घड़ी में है 12:45 और बूम। देश की इज्जत बचाने के लिए मुझे आज ये करना ही होगा। आई है वो घड़ी जब दिलो जा होगी वतन पे कुर्बान। 2 घंटे का स्पेशल एपिसोड 26 जनवरी शाम 7 से रात 9 बजे। नहीं नहीं मोक्ष बेटा, आज बाबा के हाथ से पी ले। देख आज तेरी आएगी तब। मेरा मतलब है आज कल्याणी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ से पी ले। मल्हार जी, आप पिल्लू को मेरी गोद में दे दीजिए और दूध आप पिला दीजिए। कल्याणी, ये मेरा बच्चा है, मुझे मेरा। जानती हो जब ये आग शरीर पे लगती है तो कैसा महसूस होता है? बहुत दर्द होता है। तुम्हारे जाने के बाद हर दिन हर पल इस आग में जला हूँ। तुम्हें भी एहसास दिलाता हूँ कि आग में जलना कैसा होता है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए तर। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मेरा, लेकिन उससे पहले मैं देशमुख खानदान को जरा बर्बाद तो कर लूं। ये आपके हाथ को क्या हो गया? मेरे मरद का साथ मेरा झगड़ा हुआ। वैसे मेरा मरद बुरा नहीं है ताई, लेकिन पी के आता है ना तब हलकटपना करता है। ताई, इनके चलने से ही पता चलता है ये मेरे मरद की जैसे देसी पी के आए हैं। कल्याणी बेबे, भैया आओ साहब, क्या जरूरत थी माई को पूरे गांव वालों के सामने ऐसा तमाशा करने की, हो कि नहीं? मेरे कॉलेज जाने के बाद मैंने आओ साहब से छुपाई, ये मेरी गलती जरूर है, लेकिन मैंने कॉलेज में दाखला लिया है, ये मेरी गलती नहीं है। क्यों विवेक भाव, इतने सालों से मेरे कम पढ़े लिखे होने का फायदा तो आप उठा ही रहे हैं। मेरे बाबा के जमीन से आए हुए पैसे मुझे बेवकूफ बनाकर आप अपने नाम करते आए, और पल्लवी तुम भी तो मुझे आते जाते अनपढ़ गवार होने के ताने मारती रहती हो, लेकिन अब नहीं। आओ साहब, इतने सालों तक आपने मुझे पाला है, मेरी हर जरूरत आपने पूरी की है, अब मेरी बारी है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन खुद के पैरों पर खड़े होकर, और उसके लिए डिग्री का होना बहुत जरूरी है, और तुम दोनों मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। हाँ सर, मैं इनके साथ मुंबई इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि संपदा मुंबई में है, और विवेक भाव और पल्लवी मुझे ये कहकर मुंबई लेकर गए कि अथर्व और संपदा को ढूंढने में ये मेरी मदद करेंगे, और फिर धोखे से मुझे उस हॉस्पिटल लेकर गए जहां इन्होंने मेरी किडनी बेचने का सौदा पहले से ही कर लिया था। या भैया, ये क्या झूठ बोल रही हो आप माई? हाँ आओ साहब, मुझे सच में नहीं पता था कि अथर्व जिंदा है। खरच, आपने देखा ना कि कैसे उस दिन कॉलेज में मैं खुद अथर्व को देखकर चौंक गई थी। हो कि नहीं? अनुप्रिया, आज से घर के सारे बाथरूम और शौचालय तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं है। आज से घर के शौचालय और रसोई के पीछे का नाला
पल्लवी साफ करेगी। ये बचा हुआ समय तुम अपनी पढ़ाई में लगाओगी। ऐसे क्या देख रही है? अब सारे गांव के सामने हमने ये बात मान ही ली है और इतनी तालियां बजी है तो हम अपने बात से मुकर थोड़े ही जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम कभी नापास मत होना। अब तुम्हारी पढ़ाई या हमारी इज्जत का सवाल है। गांव में किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कि आऊ साहब की बहू पढ़ाई में ढ है। सर शर्म से कभी झुकने नहीं दूंगी। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। कल्याणी, डर गई तुम? तो तुम इसलिए डर रही हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम में और मल्हार में कोई प्यार नहीं है। और वैसे भी अथर्व और संपदा जैसा प्यार सबके नसीब में नहीं होता। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार को देखिए कि गुड्डन ने असल मायनों में मान लिया है खुद को जिंदल परिवार की सास। अब किस तरह गुड्डन घर और परिवार को आने वाली मुसीबतों से बचाते हुए निभाएगी अपनी जिम्मेदारियां और साबित करेगी अपनी काबिलियत बनके इंडिया की यंगेस्ट सास। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तब होता है जब किसी को किसी से। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी, वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? अलीना, हेलो अलीना, हेलो 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 अलीना, करूंगी, जरूर करूंगी। उनके एक एक रोम पर अपना नाम लिखूंगी, उनके रूतक पर अपना नाम लिखूंगी। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। हमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हम सब अभी कोर्ट जा रहे हैं बच्चों की कोर्ट मैरिज करवाने के लिए। क्या होगा जब शान पारो और हृदय अस्मिता के शादी को कानूनी मोहर लग जाएगी? क्या अस्मिता इस दलदल से बाहर निकल पाएगी? चलिए बेटा, आप साइन कीजिए। क्या शान और अस्मिता के रिश्ते की उम्मीद टूट जाएगी? जानने के लिए अगला सप्ताह मिस मत कीजिएगा।